नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर वन और लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। और जैसा कि एसके लाइव आप सभी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नए तत्वों को उठा के लाता है, और इसी प्रकार से आज हम आपका एसके लाइव में हार्दिक स्वागत करते हैं और बढ़ते हैं वर्ल्ड कप 2019 की तरफ। क्या एक बार फिर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप में हो सकता है मुकाबला? क्या सेमीफाइनल में भिड़ सकती है दोनों टीमें? क्या पूरी दुनिया को देखने को मिल सकता है चित प्रतिद्वंदी दो देशों के बीच ड्रीम मैच? आइए डालते हैं संभावनाओं और समीकरण पर एक नजर। भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी मैच होता है तो न सिर्फ दोनों देशों के खेल प्रेमियों की नजरें होती हैं, बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें इस मैच पर आकर टिक जाती है। खेल प्रेमियों में इतना उत्साह होता है कि मैच किसी जंग से कम नहीं लगता। यही कारण है कि जब सातवीं बार भारत ने पाकिस्तान को 16 जून को विश्व कप में हराया था तो गृह मंत्री अमित शाह ने इसे सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया था। वर्तमान में दोनों देशों के बीच तल्खी कितनी ज्यादा है, इसका पता इसी से चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय मैचों पर भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ मिलने से भी परहेज करते हैं। दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव ज्यादा बढ़ जाने की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच कम होने लगे हैं। यह दोनों टीमें सिर्फ आईसीसी के टूर्नामेंट में ही सामने नजर आती है। क्रिकेट मैच कम होने की वजह से फैंस भी ज्यादा जोश में नजर आते हैं और साथ ही भावुक हो जाते हैं। वास्तविकता है कि क्रिकेट के किसी भी बड़े टूर्नामेंट में जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होती है तो वो कोई मामूली मुकाबला नहीं होता है। यह एक ऐसा मैच होता है जहां दबाव, उम्मीदें और जोश का स्तर कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। इस मुकाबले में खेल के अलावा कई और चीजें जुड़ी होती है, इसलिए इसे मुकाबला कहा जाता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, जबकि भारत और पाकिस्तान दो ऐसी टीमें हैं जो कभी भी कुछ भी कर सभी को चौंका सकती है। और इसी के तहत पूरे गणित को ध्यान में रखें तो भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मुकाबला मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन कतई नहीं। विश्व कप 2019 में अब तक अपराजित रही न्यूजीलैंड को हराकर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदें जिंदा रखी है। पाकिस्तान को अब अफगानिस्तान और बांग्लादेश से मुकाबला करना है। अगर वो दोनों मैचों को जीत जाता है और इंग्लैंड अपना एक मैच हार जाता है तो पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जगह मिल सकती है। भारत के अब टूर्नामेंट में 3 मैच बाकी है। अब उसे इंग्लैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका से खेलना है। भारत की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए बांग्लादेश और श्रीलंका से जीतने में उसे शायद ही कोई मुश्किल हो, लेकिन इंग्लैंड मजबूत है और खतरनाक भी। जब वो भारत के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो वह उसका करो या मरो का मुकाबला हो सकता है। अगर वो भारत को हराता है तो समीकरण दो तरह से बदलेगा। हालांकि इससे भारत पर ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन इंग्लैंड की जीत पॉइंट टेबल का समीकरण बदल देगी। पाकिस्तान को उम्मीद है कि वो सन 1992 को दोहराएगा, क्योंकि तब भी उसने बहुत ही खराब शुरुआत किया था। सन 1992 में पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था। सच्चाई यही है कि क्रिकेट विश्व कप 2019 में पाकिस्तानी टीम के साथ वैसे ही इस्तेफाक हो रहे हैं जो सन 1992 के टूर्नामेंट में हुए थे। टीम के 7वें मैच तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे उसके साथ 27 साल पहले 1992 वर्ल्ड कप के दौरान हुआ था। उस वक्त इमरान खान की कप्तानी में बेहद खराब शुरुआत करने के बाद पाकिस्तान ने बीच टूर्नामेंट में रफ्तार पकड़ी थी और फिर अपने देश को पहला वर्ल्ड कप दिलाया था। इस बार भी टीम के कई चीजें बिल्कुल सन 1992 जैसी ही है। अब पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस एक बार फिर अपनी टीम के विश्व कप विजेता बनाने का दावा कर रहे हैं। तीसरे मैच का परिणाम नहीं निकला। 1992 विश्व कप में पाकिस्तान का तीसरा मैच बारिश की वजह से नहीं हो सका था। इस बार भी ऐसा ही हुआ है और श्रीलंका के साथ होने वाले उसका तीसरा मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। 1992 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम अपना चौथा और पांचवा मैच हार गई थी। 2019 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अपना चौथा मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथों और पांचवा मैच भारत के हाथों गंवा दिया। सन 1992 वर्ल्ड कप के छठे मैच में पाकिस्तान ने जीत दर्ज की थी। 2019 में भी ऐसा ही हुआ और अपने छठे मैच में उसने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया। सन 1992 में पाकिस्तानी टीम का मुकाबला जब न्यूजीलैंड के साथ हुआ था तब तक उसने टूर्नामेंट का एक भी मैच नहीं हारा था। इस बार में पाकिस्तान जब कीवी टीम से खेला तब तक न्यूजीलैंड की टीम भी एक मैच नहीं हारी थी। तब भी न्यूजीलैंड को पहली बार पाकिस्तान नहीं हराया था और इस बार भी कीवी
टीम की पहली हार पाकिस्तान के हाथों ही हुई। पाकिस्तान एक तरह से अपने सन 1992 के इतिहास को दोहरा रहा है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के ड्रीम सेमीफाइनल के बीच इंग्लैंड खड़ा है। भारतीय टीम का अजय अभियान लगातार जारी है। उसने सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। अब तो बात बस यह हो रही है कि विराट कोहली की इस टीम का सेमीफाइनल में किसके साथ मुकाबला होगा। मौजूदा हालात में जो समीकरण बन रहे हैं उसके मुताबिक भारतीय लीग मैचों के बाद पॉइंट टेबल की चोटी पर रह सकता है। अगर ऐसा होता है तो उसका सेमीफाइनल में पाकिस्तान से मुकाबला हो सकता है। ड्रीम सेमीफाइनल की संभावना जानने से पहले हमें विश्व कप के पॉइंट टेबल पर नजर डालनी होगी। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया पहले, भारत दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे और इंग्लैंड चौथे नंबर पर है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ साथ अंक है, लेकिन बांग्लादेश बेहतर रन रेट की वजह से पांचवें नंबर पर है। इन टीमों के साथ ही श्रीलंका भी सेमीफाइनल की रेस में है। वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुके हैं। अब बात विश्व कप के सेमीफाइनल की है। टूर्नामेंट के डॉक्टर के मुताबिक पॉइंट टेबल में पहले और चौथे नंबर की टीम के बीच सेमीफाइनल मुकाबला होगा। दूसरे सेमीफाइनल में पॉइंट टेबल के दूसरे और तीसरे नंबर के बीच टीमें भिड़ेंगी। नंबर एक की रेस में भारत सबसे आगे है और टूर्नामेंट में अजय भी है। अगर इंग्लैंड भारत से जीता तो उसके 10 अंक हो जाएंगे, यानी वह सेमीफाइनल की रेस में दमदारी से लौट आएगा। भारत के बाद उसका मैच ऑस्ट्रेलिया से होगा। अगर वह ऑस्ट्रेलिया से जीता तो 12 अंक के साथ सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। अगर वह हारा तो सेमीफाइनल की रेस से लगभग बाहर हो जाएगा। और ये है पाकिस्तान का समीकरण। पाकिस्तान 7 मैच में 7 अंक लेकर छठे स्थान पर है। अब उसको 2 मैच बाकी है। उसे अब अफगानिस्तान और बांग्लादेश से खेलना है। उसकी फॉर्म और पुराने रिकॉर्ड के आधार पर हम ये मान सकते हैं कि वह दोनों मैच जीत सकता है। अगर वह दोनों मैच जीता तो उसके 11 अंक हो जाएंगे और सेमीफाइनल की रेस में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा। हालांकि 11 अंक होने पर सेमीफाइनल की रेस में उसकी टक्कर न्यूजीलैंड से भी हो सकती है। न्यूजीलैंड 7 मैचों में 11 अंक लेकर तीसरे स्थान पर है। अब उसके 2 मैच बाकी है। उसे अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से खेलना है। ये दोनों मैच बड़े माने जा रहे हैं और इनमें किसी टीम को जीत का दावेदार मानना जल्दबाजी होगी। अगर वो एक मैच जीता तो सेमीफाइनल में जगह पक्की। संभव है कि न्यूजीलैंड दोनों मैच जीत ले। यह भी संभव है कि दोनों मैच हार जाए। अगर वह दोनों मैच हारा और पाकिस्तान दोनों मैच जीता तो दोनों 1-1 बराबर 11 अंक के साथ एक स्थान पर होंगे। ऐसे में सेमीफाइनल का फैसला रन रेट से होगा। बहरहाल अभी पाकिस्तान के समीकरण के लिहाज से न्यूजीलैंड से ज्यादा अहम टीम इंग्लैंड है। पाकिस्तान की टीम दुआ कर रही है कि इंग्लैंड की टीम कम से कम एक मैच हार जाए। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का सेमीफाइनल का रास्ता आसान हो जाएगा और पूरी दुनिया को भारत और पाकिस्तान के बीच का मुकाबला देखने को मिल सकता है। अपोलो क्लिनिक एक्सपर्टीज क्लोजर टू यू। अपोलो क्लिनिक नाउ इन सिलीगुड़ी। Services offered: doctor consultation, all kind of blood test, USG, echocardiography, TMT and PFT, including Apollo Dental Clinic. Apollo Clinic, Golden Enclave, near Don Bosco Moor, Sevok Road, 2nd Mile, Siliguri, mobile number 8900293111.
देखना यह है कि क्या 2019 वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान क्या एक बार फिर से आमने सामने भिड़ेंगे, ये तो वक्त पर ही हम छोड़ते हैं। फिलहाल अब मुझे दीजिए विदा और आगे खबरों के लिए बने रहे एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।